डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्विच केस के कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे। प्रोग्राम देखने से पहले एक बार हम दोबारा स्विच स्टेटमेंट को रिवाइज करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट होती क्या है? सबसे पहले कि एक अल्टरनेट है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन के लिए, तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। प्लस हम ये भी कह सकते हैं कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट को किसी सिंगल वेरिएबल के लिए बनाते हैं, जैसे हम स्विच वेरिएबल कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम डिफाइन कर सकते हैं वेरियस स्टेटमेंट्स को मल्टीपल केसेस के लिए, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, और जिसमें कि हमारे पास में एक सिंगल वेरिएबल होगा। मैंने आपको इसका सिंटेक्स बताया था कि पहले हम स्विच लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं, केस के साथ में वैल्यू आती है, कोड आता है, उसके बाद आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाई जाती है? क्योंकि आप फॉल थ्रू से बचना चाहते हो। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट में जब कोई सा भी केस मैच नहीं करता है तो एंड में आपका क्या हो जाता है? डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर जाता है। नाउ अब हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल को इंक्लूड करेंगे। हमने एक फाइल को इंक्लूड किया, इसके इनसाइड हमने दो वेरिएबल बनाए। एक मैंने एक्स वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 10 वैल्यू दी, एक मैंने वाई वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 5 वैल्यू दी। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने स्विच स्टेटमेंट लगाई, यहाँ पे क्या लिखा? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया x, उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बना y। x में हमने 10 वैल्यू को पुट किया, y में हमने 5 वैल्यू को पुट किया। इसके बाद में हमने स्विच स्टेटमेंट पे एक्सप्रेशन लिखा कि x इज ग्रेटर देन y। क्या x ग्रेटर देन y है? एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लॉजिकल एंड लगाया है। जो आप दो बार एम्परसेंड लगाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं। अगर यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपके पास में रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने केस वन लिया, केस जीरो लिया। तो वन का बेसिकली मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इंटरनली हमारे पास में वन रिटर्न होके आएगा। आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया हेलो और स्टेटमेंट को कर दिया ब्रेक। इसी तरीके से केस जीरो लिया आपने, उसमें लिखा प्रिंट एफ, फिर लिखा बाय, डिफॉल्ट में लिखा हेलो बाय। स्टूडेंट्स, आप जैसे जैसे इनकी वैल्यूज़ को चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे आउटपुट चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या लिखा यहाँ पर, वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू को आपने कर दिया 2 और वाई की वैल्यू को कर दिया 5। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके साथ में ये वाला केस मैच कर गया और यहाँ पे प्रिंट हो गया बाय। अगर दोनों कंडीशंस आपकी मैच नहीं होती, जैसे आपने क्या कर दिया, इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 5 दे दी, वाई की वैल्यू भी 5 दे दी, तो यहाँ पे डिफॉल्ट ऑपरेशन मैच हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास में प्रिंट होकर आ गया हेलो बाय। और ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्रेक स्टेटमेंट हमें क्या करती है, जैसे ही हमारा आउटपुट आता है हम इससे बाहर आ जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जितने भी आउटपुट आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सारे के सारे आउटपुट आपके एग्जीक्यूट होंगे। नाउ अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम स्विच स्टेटमेंट का फॉल थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड स्टेटमेंट लगाएंगे। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल जिसको मैंने नाम दे दिया क्या है, नंबर है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें 0 सेव कर दिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। इंटीजर क्या है हमारे पास में, डेटा टाइप है। सबसे पहले हमने क्या किया, वैल्यू को एंटर किया, एंटर एनी नंबर। इसके बाद एम्परसेंड लगा दिया, तो यहाँ पर जाके ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्विच की, तो जो भी नंबर यहाँ पर होगा वो यहाँ पे एक्सप्रेशन में आएगा और उसकी मैचिंग यहाँ से होगी। सबसे पहले सपोज यूजर ने क्या किया, 10 को एंटर किया। नाउ 10 यहाँ पे एंटर हुआ, इसकी मैचिंग होगी केस से, तो यहाँ पे लिख के आ गया नंबर इज 10। ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया है तो आपके पास में आंसर आएगा नंबर इज 10, नंबर इज 50, नंबर इज 100।
इट मींस आपको यहां पे क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट को लगाना है। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज आपने 50 एंटर किया, 50 एंटर करने के बाद में एक्सप्रेशन में आया वो, इससे मैच नहीं हुआ, इससे मैच हुआ, फिर यहां पे प्रिंट हो गया नंबर इज 50। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर भी आपको क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट को लगाना है। इसके बाद में यूजर ने एंटर किया 100, फिर इससे मैचिंग हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट को लगाना है फॉल थ्रू से बचने के लिए। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपके पास में यहाँ पे आउटपुट आता रहेगा जिससे केस मैच हुआ। जैसे यहाँ पे 10 लिखा तो इसके बाद में नंबर इज 10, नंबर इज 50, नंबर इज 100 अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है। यूज़र ने यहाँ पे 50 एंटर किया तो 50 के बाद की स्टेटमेंट सारी रन हो जाएंगी, नंबर इज 50, नंबर इज 100, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50, 100। इसी तरीके से आपने 100 को मैच कराया तो यहाँ पे लिखा जाएगा नंबर इज 100, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। और अगर तीनों केसेस में से कोई भी मैच नहीं करता है तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये स्विच स्टेटमेंट का फॉल थ्रू है। यहाँ पर आपको ब्रेक स्टेटमेंट को पुट नहीं करना है। जब आप ब्रेक स्टेटमेंट को पुट नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉल थ्रू हो रहा है। जितने भी आपके पास में ऑप्शंस हैं, जितने भी आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस हैं, वो सारी की सारी चॉइसेस यहाँ पे क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। नंबर इज 10, नंबर इज 50, नंबर इज 100, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 एंड 100, ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास में आउटपुट के थ्रू आएंगी। स्टूडेंट्स, फॉल थ्रू के बारे में आपको बता चुका हूँ, जहाँ से केस मैच करेगा वहाँ से आपका फॉल थ्रू हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को पुट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम नेस्टेड स्विच केस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। फाइल को इंक्लूड करने के बाद में हमने आई की वैल्यू लिखी, एक आई वेरिएबल लिया जिसमें हमने 60 को पुट किया, एक हमने जे वेरिएबल लिया जिसमें हमने 70 को पुट किया। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे स्विच में आई की वैल्यू पास की। आई का मतलब क्या हुआ, 60 को मैंने यहाँ पे पास कर दिया तो यहाँ से 60 मैच हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा द वैल्यू ऑफ आई इवेल्युएटेड इन आउटर स्विच परसेंटाइल डी, यानी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, यहाँ पे 60 लिख के आएगा। फिर हमने क्या किया, 70 लिया। अब केस 70 के इनसाइड आप देखिए, आपने क्या किया है, जे लिखा है, ठीक है, और जे के इनसाइड फिर आपने केस 20 लिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 70 को पास करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सप्रेशन में आप क्या करेंगे, 70 को पास करेंगे, ठीक है। जब 70 हमारा पास होगा तो जे की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 70 मैच हो जाएगी और आपका प्रिंट होके आ जाएगा द वैल्यू ऑफ जे इवेल्युएटेड इन नेस्टेड स्विच परसेंटाइल डी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो वैल्यू प्रिंट होंगी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आई इज परसेंटाइल डी और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जे इज परसेंटाइल डी। तो यहाँ पर ये नेस्टेड स्विच है, आप इसका ऐसे भी यूज कर सकते हो। नेस्टेड का मतलब होता है किसी एक ब्लॉक के अंदर दूसरे ब्लॉक को क्रिएट करना, वो हमारा नेस्टेड लूप कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारा नेस्टेड ब्लॉक कहलाता है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये आपका नेस्टेड स्विच केस स्टेटमेंट का है। स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान में रखेंगे कि नेस्टिंग जो होती है उसमें हम किसी एक ब्लॉक के इनसाइड कोई दूसरा ब्लॉक बनाते हैं, किसी एक लूप के इनसाइड कोई दूसरा लूप बनाते हैं और तब हमारे पास में जाके हमारा आउटपुट आता है। इट मीन्स देखिए, ये जो मैंने बनाया ये मेरा क्या कहलाएगा, आपका आउटर ब्लॉक कहलाएगा। इसी तरीके से इसके इनसाइड मैं कुछ बना रहा हूँ तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनर ब्लॉक कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें किस तरीके से नेस्टिंग का यूज़ करना है। नाउ तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार दोबारा फ्लो चार्ट बता देता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। क्या कि यहाँ पे मेरे पास में एक्सप्रेशन होगा, अगर मेरा एक्सप्रेशन जो है वैलिड है या इनवैलिड है, दोनों बातें हो सकती हैं। यहाँ पे सारी केसेस से इनकी मैचिंग की जाती है, केस वन है, केस टू है, केस एन है। अभी आपने प्रोग्राम देखा, वहाँ पर हमने तीन केसेस का यूज़ किया था, 10 के लिए, 20 के लिए, 50 के लिए। नाउ अगर केस हमारा मैच हो जाता है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट कर जाती है,
अनमैच हो जाता है तो कंट्रोल आपका केस टू पे आ जाता है, अगर मैच हो जाता है तो केस टू के साथ में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाती है, अगर अनमैच होता है तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जब हमारा जो ऑप्शन एग्जीक्यूट करेगा उसके साथ में हम ब्रेक का भी यूज़ करते हैं, ब्रेक फॉल थ्रू से हमें बचाता है। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर मेरे पास में मेरा कोई सा भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मेरे पास में मेरी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन करेगी। नाउ जैसा कि मैंने आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमारी सारी स्टेटमेंट रन करेंगी, और जहाँ से मैचिंग होगी, देखिए अगर किसी ने यहाँ पे 10 पास किया तो उसके बाद में नंबर इज़ 10, नंबर इज़ 50, नंबर इज़ 100, उसके बाद में ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 50 को पास किया तो देखिए 10 से तो मैचिंग हुई नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगी, इसके बाद की स्टेटमेंट रन करेंगी, प्रिंट होकर आएगा नंबर इज़ 50, नंबर इज़ 100, उसके बाद में नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 एंड 100। इसी तरीके से 100 अगर आपने यहाँ पर पुट किया तो नंबर इज़ 100 और डिफ़ॉल्ट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। और अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट मैच कर जाता है। डिफ़ॉल्ट को हम इसलिए लिखते हैं यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप सही नंबर को एंटर करिए। आप आगे जाके प्रोग्राम देखेंगे उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि हम केस और स्विचेस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्विच स्टेटमेंट है उसका यूज़ हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के अल्टरनेट के रूप में कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको वहाँ पे इफ़ एल्स की रिक्वायरमेंट नहीं, देखिए इफ़ एल्स इफ लैडर आपने वहाँ पे यूज़ किया, कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्विच स्टेटमेंट बनाई गई। तो स्विच स्टेटमेंट में हमें ईजिली समझ में आ जाता है कि कौन से केस से यहाँ पर मैचिंग चल रही है। नाउ स्टूडेंट्स रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि स्विच में हमारे पास में हमेशा इंटीजर और करेक्टर टाइप आता है। दूसरा, अगर मैं केस वैल्यू की बात करूं तो वहां पे इंटीजर या करेक्टर कांस्टेंट मेरे पास में आएगा। मैं केस वैल्यू क्यों स्विच के हमेशा इनसाइड यूज होगी, कभी भी केस को आप स्विच के बाहर नहीं लिख सकते हो। और ब्रेक ऑप्शनल होता है लेकिन हम ब्रेक को यूज करते हैं फॉल थ्रू से बचने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने प्रोग्राम आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।